tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready. लें जी, आज 20 दिनों बाद मुझे ये चीज़ मिल गई है जिसकी मैंने दिल से तमन्ना की थी, और माँ बाप की दुआओं के सदके मुझे आज ये चीज़ अवेलेबल हो गई है। और मेरा नाश्ता जो है ना वो यही है, अपनी जो 25 दिन की मेरी दही की डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर सकूं, तो वो आज मैं करके जानी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम उमर भट्ट के साथ हैं, जो कि स्पॉन्टेंस के नॉर्दर्न एरिया के स्टार है। शाम 5 बजे शाम की चाय के साथ सारे वीलॉग्स एक तरह उमर भट्ट, क्योंकि हमें बहुत अच्छा बताते हैं, गाइड करते हैं। अभी क्लैप फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सफ़र करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 18 दिन हो गए हैं, और अब मेरा एक दिन कम से कम छुट्टी लेने का दिल कर रहा है। और अताबाद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ की जो मोस्ट हाइप्ड प्लेस है वो लक्सिस हुंज़ा है। बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस को करते हैं एक्सपीरियंस के कैसा है। और काम कोई नहीं करना कल तक, चल के देखते हैं यहाँ पे लेक व्यू, इनके रूम कैसे हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं, और कुछ अवेल करते हैं। वैसे मैंने बुकिंग नहीं करवाई भी, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो टेंट की है। टेंट जो आपको बिल्कुल लेक के साथ मिलता है, तो वहाँ पे रात बड़ी मज़े की गुजरती है। और लक्सिस हुंज़ा वैसे ही अताबाद में जो आता है, तो यहाँ पे अगर कोई रात ना भी रुके तो कम अज़ कम यहाँ पे वो खाना खाने या वैसे पिक्चर्स लेने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। Tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. अभी हम बस चेक इन किया है, कुछ ईमेल थी बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा पहले वो कर ले शाम तक, तो फिर मैंने वापस नहीं आना। अभी मैंने आगे जाना है ना तैनी ब्रिज पर। वैसे यहाँ से व्यू खूबसूरत तरीन है, जीस तो है ही है, सामने पाकू कॉन्स भी हैं। अभी थोड़ी लाइट कम होती है, तो आपको पाकू कॉन्स का भी इदारा करवाऊँगा शाम के वक्त, लेकिन उससे पहले मैं ईमेल कर लूँ। और आई हेट दिस थिंग कि मुझे कॉल्स पे कॉल्स आएँ, लेकिन मजबूरी की करिए। मैंने आपको बताया था कि ये रूम मैंने खुद लिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लेक के पास रहूं, और यहाँ पे रश भी कम होता है, रूम्स में रश ज़रा ज़्यादा होता है, और रात को मैंने थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, तो ये मेरे लिए ठीक है। अभी बजे हैं 3, जो लाइट है वो होगी 5 बजे के बाद अच्छी, फिर हम यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं। अभी चल के हम लोग इनकी विज़िट करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्या क्या अमेनिटीज़ हैं मेरे साथ। Tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string. अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ पे कई किस्म के रूम हैं। प्रेसिडेंशियल सूट है, इन्फिनिटी प्लस है, लेक व्यू है, और रॉयल सूट है, इसके अलावा टेंट भी है। काफ़ी टाइप्स हैं इसकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इस वक्त मैं प्रेसिडेंशियल सूट के आगे खड़ा हूँ, इसको चल के विज़िट करते हैं, देखते हैं इसमें अमेनिटीज़ क्या क्या हैं और कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिलती हैं। आ जाओ।
इसके 75,000 चार्जेस हैं और इसमें मैक्सिमम 2 जो हैं वो रख सकते हैं आप मैट्रिस, और पर मैट्रिस सेम कैटेगरी में 5,000 चार्ज होता है जिसमें मैट्रिस और उसके चार्जेस होते हैं शामिल ब्रेकफास्ट के। ये प्रेजिडेंशियल सूट है जो सबसे लग्जरी है लक्सिस हुंदा का, और इसके 75,000 चार्जेस हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है। LCD भी लगी हुई है, AC भी लगा हुआ है और फ्रिज भी है यहाँ पे और जो कुछ हो सकता है। बाहर चल के देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। स्मोकिंग अलाउ नहीं है रूम के अंदर, 10,000 रुपया जुर्माना है, बहुत अच्छा है। और ये है जी हमारा प्रेसिडेंशियल सूट का बाथरूम है, बाथिंग टब भी है विद द व्यू। ये जो प्रेसिडेंशियल सूट है ये काफी पीसफुल है और ये बिल्कुल कॉर्नर पे शायद इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे पब्लिक का जो है वो गुजर ना हो, बिल्कुल सेट असाइड है थोड़ा सा। और इसका व्यू बहुत प्यारा है और यहाँ पे 4 लोगों के लिए, वैसे तो यहाँ पे 5 लोग भी रह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 4 लोग यहाँ पे अलाउ हैं, और अगर कोई ऐसी फैमिली जिनके 2 बच्चे हैं बेस्ट है उनके लिए। प्रेसिडेंशियल सूट के बाद अब हम जा रहे हैं रॉयल सूट की तरफ, इसके चार्जेस पूछते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है, इसका व्यू कैसा है। और मुझे जो बताया गया है लक्सिस हुंदा में वैसे सभी जो हैं रूम वो सारे ही लेक व्यू हैं, तो रॉयल सूट का विजिट करते हैं। ये उससे साइज में थोड़ा सा छोटा है लेकिन ज़बरदस्त। रॉयल सूट वाकई रॉयल है भाई, बहुत जबरदस्त। 2 तरफ से इसको विंडो लग रही है जहां से आपको लेक व्यू मिलता है, और आपको डेडिकेटेड टेरेस दिया गया है जिसके वहां पे चेयर्स पड़ी हुई है और सेफ्टी फेंस भी लगी हुई है यहाँ पे बच्चों के लिए, ये अच्छी चीज लगी मुझे। और अब मैं रॉयल सूट से जाऊंगा रॉयल टेंट में जो मैंने लिया है। टेंट का किराया मैंने आपको बताया 18,000 से 19,000 के दरमियान है, लेकिन वहां पे आपको अमेनिटीज सारी मिलेंगी, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और वॉशरूम बस उसका बाहर होता है और पानी के बिल्कुल करीब होता है, पानी की आवाज आपको आती है तो वो बड़ा मजा आता है। तो अभी हम अपने रॉयल टेंट में चलते हैं, वहां पे चल के आपसे अगली बात करते हैं। ये आपका क्या मेन्यू, अरे एपिटाइजर भूख लग गई है, छप शुरू और जुआ छप शुरू ही खाते हैं आज। ये अमेनिटीज बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह से हैं, तिजोरी भी है यहाँ पे, माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज भी है साथ में, अलमारी, ओके बाथरूम और ये वॉशरूम। वाह ये बाथरूम उससे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा जो एरिया है वो डेडिकेट किया गया है हर रूम को, ये देखें इसकी बाउंड्री वॉल बनाई गई है और हर रूम का अपना एक एरिया है। I tried so hard to let go. Writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. Not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. एक फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे इतने एंगल्स हैं और इतनी बैकड्रॉप्स हैं कि वो 2 घंटे यहाँ पे 3 घंटे सिर्फ एक पॉइंट पे लगा दे। अभी मैं रॉयल सूट के बाहर जो लॉबी है वहाँ पे फिर रहा हूँ, और यहाँ पे भी इन्होंने एक डेक बनाया हुआ है और खूबसूरत जगह है ये एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा अम्यूज़मेंट की चीज़ें रखी गई हैं। एक नज़र मैं आपको वो दिखा देता हूँ
और इसके पीछे जो पहाड़ है वो भी क्या ही खूबसूरत है, इसको हम ड्रोन के साथ इंशाल्लाह कवर करते हैं। गुड मॉर्निंग, रात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी, कुछ थकन उतरी है और मैं कोई 7-8 घंटे सोया हूँ। अभी बिल्कुल पीसफुल है, मेरा ख्याल है लोग सारे सोए हुए हैं। मुझे क्योंकि अभी जल्दी निकलना है वापसी के लिए, तो मैं 7:30 बजे का अलार्म लगा के सोया था और 7:15 बजे मेरी आँख खुल गई थी और हम 8 बजे यहाँ पर खड़े हैं रेडी होके सारा सामान पैक करके। अभी जो प्लेइंग एरिया साइड है, बोटिंग साइड है, वहाँ पर भी लोग नहीं आए, एक आधी बोट चल रही है वो भी शायद ट्रायल बेसिस पे, तो अभी बिल्कुल खामोशी है। और आज इस व्लॉग का जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है हम वो करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि दही लग जाएगी। और हजरात यहाँ पे दही मौजूद है। लें जी, आज 20 दिनों बाद मुझे ये चीज़ मिल गई है जिसकी मैंने दिल से तमन्ना की थी और माँ बाप की दुआओं के सदके मुझे आज ये चीज़ अवेलेबल हो गई है। और मेरा नाश्ता जो है ना वो यही है। ये वो चीज़ है जो को 3 दफ़ा तो कम से कम चलेगी, क्योंकि आज मुझे मिली कोई 20 से 25 दिन बाद है। 3 करोड़ तो उसको देने हैं, शुरू में, सेंटर में और एंड में। अब होगा हमारा असल नाश्ता स्टार्ट, आइयो मेरे नाल। अच्छा, ये मैंने नाश्ता वहाँ से स्टार्ट किया है जिसका मैनू पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो अपना असल निज़ाम है ना वो तो बनना है चनों से, दही से, लस्सी से और कुलचे से। क्योंकि लक्ष्य सुंदा आने का मेरा मकसद ही ये था कि मैं यहाँ पे अपनी जो 25 दिन की मेरी दही की डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर सकूं, तो वो आज मैं करके जानी है। और मेरा ये 35 दिन का टूर है, अगले 10 दिन की भी मैंने करके जानी है। सो विद द नेम ऑफ अल्लाह, ऐसे सही लाहौरी चैनल फील हो रहे हैं। लाहौरी को अच्छे चने खिलाना बड़ा मुश्किल बात है, इसलिए हम पंदर सिंदूर और नलतर नॉर्मल स्कर्दू के डीप इनसाइड वैलीज बड़े बड़े चने खा के आए हैं। लेकिन कहीं से भी ऑब्वियसली उनका वो इलाका नहीं है, उनका वो कल्चर नहीं है, उनको उस तरह से नहीं बनाने आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने बड़े अच्छे चने खिला दिए हैं। आलू की भुजिया में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जो आलू हैं वो बड़े बारीक बारीक कटे में, पतले पतले ना से कटे में, और उनके ऊपर कलवंजी और हल्की हल्की हरी मिर्चों की हुई हुई है जी गार्निशिंग, एंड दैट्स ऑल। ये देखें जी, आलू हम ज़्यादा उठाएंगे और नीचे जो कुलचे की प्लेट है, नीचे जो हमारा लुकमा है कुलचे का, वो छोटा ही है। देख लें, शायद आपको नज़र आ रहा धुएं निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़े का था और अपनी पसंद की जो चीज़ें हमने थी वो खा ली हैं। और जो अगले 5-6 दिन 10 दिन हमने ज़बरदस्ती खानी है वो हमने नहीं खाई। पराठा, अंडा, लोबिया, दाल माश, हलीम, ये चीज़ें वो हैं जो ज़बरदस्ती आपको खानी पड़ती हैं, ये हमने नहीं खाई क्योंकि डिफरेंट चीज़ मिल गई। लस्सी के मैंने 3 गिलास चढ़ा दिए, उन फिर नींद आ रही है। सामान हम पैक करके गए थे और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमजा लक्सिस हमजा जो है वो एक एक्सपीरियंस है, यहाँ की अमेनिटीज़, स्पोर्ट्स अरीना,
यहाँ की बैकड्रॉप्स फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैकड्रॉप्स बनी हुई हैं, एंगल्स बने हुए हैं, उसके अलावा फिर यहाँ से जो फेरीज चलती हैं, लोग आते जाते हैं, और झील का पानी सनलाइट के साथ डिफरेंट होता जाता है, शाम को बहुत ही खूबसूरत व्यू हो जाता है। और ये सारा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा, और ये मैंने बेसिकली अपने आप को वार्म अप किया है अगले ट्रैवल के लिए, क्योंकि मेरा बाइक टूर चल रहा है काफ़ी लंबाई वाला, तो एक दिन मैंने बीच में ब्रेक लिया, रेस्ट किया, और इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके अगली वैलीज़ को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपनी अपडेटेड जो है स्टोरीज़ वो लगाता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।